कोडरमा में पिछले दिनों हुई बारिश से गोखाने नदी पर बना 20 साल पुराना पुल पानी के तेज बहाव से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने पुल की जर्जर हालत को लेकर बरकट्टा विधायक को भी बताया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। दर्जनों गांव को जोड़ने वाली इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि आखिर प्रशासन की ओर से कब तक पुल का निर्माण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, और इस समय मैं खड़ा हूँ कोडरमा से तिलैया डैम जोड़ने वाले रोड पे, जहाँ का पुल आप देख सकते हैं। हमारे पीछे पुल है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पुल को भी दिखाएंगे, और जो बुरी तरह से टूट गया है। आपको की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1995-96 में इस पुल को 18 लाख की लागत से बनाना शुरू किया गया था। बाद में किसी कारण से वो काम बंद हो गया था, और दोबारा पुनर्निर्माण के लिए 12 लाख की लागत से फिर से स्टार्ट किया गया। लेकिन पुल की हालत आप देखिए, ये 20 साल भी नहीं टिक पाया। मैं आपको बता दूं कि दर्जनों गाँव है जो जिला मुख्यालय से तिलैया डैम को जोड़ता है, और एक उसका एकमात्र रास्ता ये था, और इस रास्ते से जाने से लोगों को प्रखंड मुख्यालय चंदवारा तक भी पहुंचने में मात्र 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। अब उनको 12 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर क्या है परेशानी और कितने गांव के लोगों को इनसे नुकसान हो रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार यादव है। और यहाँ पर क्या परेशानी है, और इस पुल के टूटने से कितने लोगों को नुकसान है? इस पुल को टूटने से हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे जो तिलैया डैम पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को करीबन बहुत दूर एक अलग रास्ते से जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ से ज़्यादा दूर तिलैया डैम हमारा नहीं है, बच्चों को इधर इस पुल से जाने में ज़्यादा समस्या नहीं होता था, नज़दीक पड़ता था तो बहुत जल्दी पहुँच जाते थे। यहाँ पे कोई जिला के पदाधिकारी कभी देखने को आए कि ये पुल जर्जर की स्थिति में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई भी जिला का प्रशासन कोई सहायता के लिए यहाँ नहीं पहुँची है। कितना गांव के लोग प्रभावित हुए इसमें? इससे करीबन कम से कम नहीं तो 20-25 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ गांव का नाम बताइए। यहाँ देखिए, अभी हम लोग को यहाँ काको, मनगावा, पिंडारो, चंद्रघट्टी, इधर के सारे बच्चे तिलैया डैम पढ़ने के लिए जाते हैं। ग्रिजली विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। अब तिलैया डैम में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, तो वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनको जाने में बहुत समस्या हो रही है। तो अभी जब ये पुल टूट गया, तो अभी वो लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अभी अलग एक अलग रास्ते से जा रहे हैं, जो कि कुछ दूरी पे है यहाँ से, तो बच्चों को घूम के जाना पड़ रहा है। कितना किलोमीटर का दूरी होगा दोनों का? यहाँ से करीबन कम से कम 6-7 किलोमीटर का दूरी एक्स्ट्रा तय करके जाना पड़ रहा है बच्चों को। आप सुन रहे थे शुभम कुमार यादव को, ये स्थानीय ग्रामीण है। इनका कहना है कि लगभग 2500 गांव है जो इससे प्रभावित है, और उनको मजबूरी में 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल करके बच्चों को स्कूल के लिए जाना पड़ रहा है। लाइव लगातार के लिए कोडरमा से अरुण बर्नवाल। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।